सबको यहाँ आपको प्रस्तुति के लिए गुरु वंदना के लिए पधारे। मैं एक बार हमारे निकुंज नायक प्रभु की वंदना के पश्चात मैं पूज्यपाद बाबा साहब से निवेदन करूंगा। माननीय डीओ साहब और डांगी साहब, बाबा साहब को श्रीनाथ जी के चित्र पर माल्यार्पण। प्रोग्राम में सम्मिलित होना है तो मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि
जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरे घर में मेरी मात्र चरण का राज था। जब मैं स्कूल में भर्ती हुआ तो अध्यापिकाओं ने मुझ पर राज किया। आज मैं घर आश्रम में हूँ तो मेरी अर्धांगिनी मुझ पर राज कर रही है। वेरी गुड। जो नारी शक्ति ऑलरेडी एम्पावर्ड है उन्हें हम कौन होते हैं एम्पावरमेंट देने वाले, ये बात मुझे हजम नहीं होती है। हमारे जिला में जिला कलेक्टर भी नारी हैं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नारी हैं। तो एम्पावरमेंट देना उसे दिया जाता है जो पावर में कम हो, परंतु ये क्षेत्र ऐसे हैं जो हमसे पावर में कहीं ऊंचे हैं, तो एम्पावरमेंट जैसी चीज मेरे घर नहीं होता। खैर, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और जैसे दो शब्द कहना चाहूंगा, जो मानव है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मानव के पास दिमाग है और इस दिमाग के बलबूते पर अच्छे से अच्छे सुरमा मानव के चरण पर छू जाते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी एक हद तक आज मानव के दिमाग के आगे नतमस्तक होती जा रही है। मानव का जो दिमाग है इसका विकास कैसे हो? अध्यापिकाएं, प्राचार्य, प्रोफेसर गण यहाँ सब विराजमान है और उसका एक ही इलाज है कि शिक्षण के द्वारा। परंतु मेरा प्रश्न है कि मात्र एक शिक्षण से क्या हम मानव के मस्तिष्क का, दिमाग का विकास कर सकते हैं? ये एकांगी विकास होगा। विकास के दो पहलू हैं, एक हमारे दिमाग का विकास और दूसरा हमारे शरीर का विकास। जब तक आपका शरीर पुष्ट नहीं होगा, बलिष्ठ नहीं होगा, दिमाग भले ही कितना क्यों ना हो आपके पास, आपके सामने का एक अंतर आप नहीं हटा पाएंगे तो उस दिमाग का क्या फायदा? अब ये प्रश्न उठता है कि शरीर बलिष्ठ कैसे हो? भ्रमण करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिम्नेशियम जाएं, व्यायाम करें, परंतु उसमें भी मनोरंजन की कमी रहती है। परंतु ये जो खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, ये खेल के द्वारा आपको वर्जिश, व्यायाम, कसरत, साथ ही मनोरंजन, ये सब साथ में प्राप्त होता है। ये कहावत है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स मेक्स जैक अ डल बॉय। अगर आप पढ़ लेंगे परंतु खेलेंगे नहीं तो आप एक डल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। खेलना अति आवश्यक है। आज जो प्रतिभाएं यहाँ खेल रही हैं इनसे आप के दो लाभ हैं, विशेष प्रकार में अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ो, ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये जीवन में आपको लाभ दे रहेगा। बच्चों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं उन्हें आशीष प्रदान करता हूँ कि वे अपने आने वाले भविष्य में कीर्ति हासिल करें, सौभाग्य हासिल करें और प्रभु गोवर्धन सर आप पर ऐसी ही कृपा वृष्टि करते रहें। वंदे मातरम।